क्या है मामला? आप लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना पे बैठे हुए, क्या है मामला? ये सर ये रीट से जुड़ा हुआ मामला है, शिक्षक भर्ती से, रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें 21,000 वैकेंसी पदों की वैकेंसी थी, इसमें 19,800 पदों के लगभग बच्चों को पास किया था इसी इसमें, और लगभग 15,000 को ज्वाइनिंग दे चुके हैं, और 4,000 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल अलॉट होने के बाद में भी 4,000 बच्चों को अभी तक स्कूल तक नहीं पहुंचाया गया है, स्कूल तक ज्वाइन नहीं किया गया है। उसके अलावा 2,000 बच्चे और हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, मतलब 6,000 बच्चे हैं जो उनको स्कूल नहीं पहुँचे और 15,000 बच्चे पहुँच गए, ये मामला चल रहा है। इसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक हम धरना कंटिन्यू रहेंगे। आप लोग मंत्री से मिले या फिर सर हम शिक्षा मंत्री जी से मिल लिए, CM साहब से मिल लिए, अधिकतर मैक्सिमम मंत्री से मिल लिए, उनके कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। हमने वहाँ क्या कहा उन्होंने कि इस मामले पर क्या सुनवाई की? सर शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि हम देखेंगे, हम आला कमान से बात करेंगे, CM साहब से इस बात में चर्चा करेंगे, CM साहब से बात करेंगे। उसके अलावा वो CM साहब के से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जल्दी पैरवी करवा के आपका काम करवाएंगे। बोर्ड में भी गए हम, बोर्ड से भी यही आश्वासन मिल रहा है, बाकी बोर्ड से स्पष्टीकरण कुछ समय दिया उन्होंने कि सर समय पिछले 4 महीने से हम ऐसे ही घूम रहे हैं सर, 4 मंथ हो गए लगभग, 4 महीने से हमारे साथी जो शिक्षक हैं वो सभी लगभग ज्वाइन कर चुके हैं, 4 महीने से स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं, और हम 4 महीने से कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं और कितने सर 15,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं, और लगभग 6,000 जो है वो बाकी हैं जो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। क्या कारण रहा था कि ज्वाइनिंग नहीं? ये आचार संहिता का सीन था सर, और इसमें कुछ बाहरी डिग्री वाले भी हैं और कुछ यहाँ के भी हैं जो राजस्थान से डिग्री प्राप्त हैं वो भी हैं, वो भी अटके हुए हैं, और साथ में बाहरी वाले भी। क्या कारण रहा था? क्या कारण? आचार संहिता का सर, मैंने क्या आचार संहिता जैसे इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हों की डिग्री MP से है, हरियाणा से है, UP से है, कुछ की राजस्थान से है, वे किसी वजह से आचार संहिता लगने के कारण जॉन नहीं कर पाए थे, कि जैसे 7 तारीख को उनके वहाँ से अनुमोदन हुआ था, 8 को संडे था, 9 को जॉन नहीं कर पाया, तो उस वजह से 4,000 बच्चे लटक गए। अब आचार संहिता लग गई, आचार संहिता में उनको जॉन नहीं हुआ, जैसे ही आचार संहिता हटी हाई कोर्ट ने इस भर्ती पर स्टे दे दिया। स्टे क्यों दिया? कुछ बच्चों ने याचिका लगाई, उसके आधार को मानकर जज सामने इस पर स्टे दे दिया। अब उस स्टे के चक्कर में हम पिस रहे हैं, हमें स्कूल अलॉट हो चुकी है, सरकार हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही, सरकार बोल रही है कोर्ट का मामला है, कोर्ट कह रहा है बोर्ड का मामला है, बोर्ड कह रहा है कोर्ट का मामला है, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है मामला किसका है, और इस मामले में कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। हमें 4-5 महीने हो गए, हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, हमसे कम नंबर वाले बच्चे स्कूल में बैठे हैं, हमारे 200 नंबर हैं, हम मेरिट वाले बच्चे हैं, वो बच्चे यहाँ धक्के खा रहे हैं, या 3 दिन हो गए धरने पे, हम अनिश्चितकाल धरने पे बैठे हैं, आने वाले टाइम में हम भूख हड़ताल करने वाले हैं, हमसे जो बनेगा हम वो करेंगे, हम सरकार के सामने हाथ जोड़ते हैं, कैसे भी करो हमें नियुक्ति दो। कोर्ट से निवेदन है कि अपने बोर्ड से निवेदन है कि हमारे वकील को भेजकर अच्छे से पैरवी करे, इस स्टे को हटवाए और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। बैठे हैं बस, हड़ताल जब तक रहेगी जब तक नियुक्ति नहीं देंगे, हमारा कोई कसूर नहीं है, फिर भी हम देखो ये यहाँ पहुँचा दिए आज, और यही सजा मिल रही है। एक शिक्षक को आप ऐसे आज इस कगार पर बैठा दिया कि भूख हड़ताल करें, क्या होगा हमारे समाज का? बस हमें नियुक्ति चाहिए और कुछ नहीं, हमारा सब कुछ हो चुका है, सिर्फ एक ज्वाइनिंग लेटर पे हम अटके हुए हैं। गलती किसी की है भुगत हम रहे हैं, आज ही शुरू किया है और ये आखिर तक जाएगा जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी।